ये जी ऑल्टो वी एक्स आर इंजन आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर और परफेक्ट फिटिंग के अंदर जो है इसके अंदर आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। अब गाड़ी जो है दोबारा से जो है पेंट प्रोसेस की तरफ जाएगी क्योंकि इंजन वगैरह लग गया है और चेक कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फिटिंग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। कहीं से जो है बाहर से भी गाड़ी आप देख सकते हैं कि अभी बाहर अस्तर वगैरह का एक आध लगेगा, रफ लगेगा, और इंजन की फिटिंग अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कंप्लीट हो चुकी है। इंजन की बस थोड़ी बहुत जो है सेटिंग वगैरह बाकी रह जाएगी। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह इंजन चलती हुई कार्ड आप चेक कर सकते हैं, ओएस नंबर वाला कार्ड इसके साथ लगा हुआ है, RPM प्लस ऑटोमेटिक वाला मीटर ब्लू डायल के अंदर, और विट्स का 2015 वाली का ऑटोमेटिक वाला लीवर इसके अंदर हमने इंस्टॉल किया है। ये ब्रेक पेंडल इसका ऑटोमेटिक वाला। क्या करो, हम हमारे गले में दर्द हो गए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो यार, कर ही नहीं रहे यार कालू भाई, गलत बात है। नहीं ये है जी ऑल्टो VXR जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऑटोमेटिक इंजन जो इंस्टॉल कर दिया है। आप चेक कर सकते हैं K6 का 2012-14 मॉडल वाला ऑटोमेटिक इंजन जो है ऑल्टो VXR के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। गाड़ी का इंजन रूम पेंट हो चुका था, बाहर की बॉडी वगैरह का काम जो है बाकी रह गया, पूरी गाड़ी जो है रिस्टोर हो रही है। ठीक है जी, इंजन लगने के लिए हमारे पास आई थी, चेक कर सकते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग वाइज जो है इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इंजन आ चुका है। ठीक है, कार्ड वगैरह आप चेक कर सकते हैं, OS नंबर का जो कार्ड K6 2012-14 मॉडल वाले इंजन के साथ लगता है। इसके अलावा ब्रैकेट्स वगैरह आप चेक कर सकते हैं, बिल्कुल जेन्युइन, किसी किस्म की कोई ऑल्ट्रेशन नहीं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह फिट हो चुका है। ठीक है, इंजन की लेवलिंग वगैरह हर जगह से जो है माशाल्लाह से परफेक्ट, आपको वीडियो में भी आइडिया हो रहा होगा। इसके अलावा जो है फिटिंग वगैरह प्रॉपर हो गई। ठीक है जी, वायरिंग मायरिंग हर चीज़ ओके की रिपोर्ट में है। इसके अलावा जो है साइड से भी आप गाड़ी को देख लें, दरवाजे पर कुछ डेंट्स वगैरह हैं वो अभी हल होंगे। इसके इंटीरियर पर एक नज़र मार लेते हैं हम, इसके मीटर्स वगैरह देख लें आप। ठीक है, ये मीटर आप चेक करें, इसका ब्लू डायल के अंदर RPM वाला मीटर जो इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, और विट्स का 2015 मॉडल का जिगजैग वाला लीवर हमने इसके अंदर लगाया है, और इसके साथ साथ ये ऑटोमेटिक वाला जो है ब्रेक पैंडल इसके अंदर आ गया। ठीक है जी, अब बाहर चलते हैं, बाहर की बॉडी पर आपकी एक नज़र लगवाते हैं, चेक करें भाई बाहर से जो है हालत इसकी काफ़ी ज़्यादा, वो दोबारा से जो है इस पर एक आध अस्तर वगैरह लगेगा। ठीक है जी, और जो जगह है जो दरवाजे वगैरह इसके जेन्युइन पावर विंडो वाले अंदर से आप इसके हालत चेक कर सकते हैं। इंटीरियर इसका पूरा खुलेगा दोबारा से, और ये पावर विंडो वाले ओरिजिनल जापानी डोर्स इसके अंदर लगे हुए हैं ओरिजिनल सिल्वर कलर में। स्पेशल गाड़ी जो स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह हाफ सेल्फ पे देखें गाड़ी जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। इसने अपना RPM जो है ले लिया है हाफ सेल्फ पे, पावर स्टीयरिंग इसके अंदर जो है लगा दिया है, चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, बिल्कुल स्मूथली माशाल्लाह से काम कर रहा है पावर स्टीयरिंग इसका। विंडो वगैरह के कनेक्शन फाइनल पे करेंगे, लीवर आप चेक कर सकते हैं, लाइट्स रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव तमाम लाइट्स जो हैं इसके अंदर माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट और प्रॉपरली तरीके से आ रही हैं। हीट का कांटा, साउंड इंजन का आप चेक करें, ठीक है, माशाल्लाह से बिल्कुल कड़क जो है इसका साउंड है। और अब बाहर जो किसी किस्म की कोई वाइब्रेशन नहीं है इंजन में, बाहर जाकर भी आपको इसका एक दफ़ा साउंड चेक करवा देते हैं। ये चेक करें भाई माशाल्लाह से बिल्कुल कड़क साउंड है इंजन का, इंजन में किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है, बहुत कम अगर आवाज़ वगैरह होती वो अलग साउंड चेक करें, बिल्कुल कड़क साउंड है माशाल्लाह से। तो अब जो है एक अलग से आपको साउंड इसका जगह दिखाते हैं, क्या करो, हम हमारे गले में दर्द हो गए, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो, लाइक करो।